हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से जून क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, जो कि आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में ₹2 पर इक्विटी शेयर का एक फाइनल एक इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया, जिसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया 17 अगस्त का। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांशियल रिजल्ट पर, पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर्स की यहाँ पे दिखेगा इस, तो लेफ्ट साइड में स्टैंडअलोन है, राइट में कंसोलिडेटेड नंबर करोड़ में। इनकम है 2196.9 करोड़ का मार्च 24 में, 2417.8 करोड़ का, और जून 23 में 2003.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 1849.8 करोड़ का मार्च 24 में, 2011.4 करोड़ का, और जून 23 में 1685 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस भी डाउन है, ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 347 करोड़ का मार्च 24 में, 406.4 करोड़ का, और जून 23 में 318.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 259.4 करोड़ का मार्च 24 में, 317.8 करोड़ का, और जून 23 में 245 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS कंपनी का 4.26 का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंसोलिडेटेड में रिजल्ट अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम प्रॉफिट में डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। अगर स्टैंडअलोन कवर करेंगे, इनकम है 2189 करोड़ का मार्च 24 में, 2411 करोड़ का जून 23 में, 2000.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 1848 करोड़ का मार्च 24 में, 2007.8 करोड़ का, और जून 23 में 1679.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 341 करोड़ का मार्च 24 में, 396 करोड़ का, और जून 23 में 321 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 255.3 करोड़ का मार्च 24 में, 294.5 करोड़ का, जून 23 में 244 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 4.19 का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज कंपनी एक्जिम और डोमेस्टिक इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी को ओवरऑल रिजल्ट एवरेज पेश किया, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम प्रॉफिट में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। और अगर शेयर की बात करें, 1005 पर शेयर क्लोज किया, 0.03% का प्रॉफिट हुआ है। 5 डे में 2.4% का लॉस है, 1 मंथ में 3.6% का लॉस है, 6 मंथ में 5.6% का प्रॉफिट है। कंपनी का शेयर 5 अगस्त को एक सपोर्ट लिया था 978 का, लेकिन अब यहाँ पे गाइस कंपनी वापस से रिकवर किया। कल के दिन अगर पॉजिटिव ओपन होता है गाइस तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर निगेटिव ओपन होता है तो वेट कर लीजिए। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।